निश्चित रूप से आप यहाँ कार्यकर्ताओं में, आम जन में, समाज के सभी वर्गों में देख रहे हैं, को आपको मिल रहा होगा जिस प्रकार का इन 5 सालों में कांग्रेस का जो कुशासन था और अब जो चेंज देखने को मिल रहा है 1 महीने से, आप देखते होंगे निश्चित रूप से जो पिछली सरकार में भ्रष्टाचार, जो कानून व्यवस्था, जो अपराधी जो बेलगाम हो गए थे, हम सब देखते हैं भीलवाड़ा में भी अनेक घटनाएं हुई है, तो जिस प्रकार से कानून व्यवस्था लचर हो गई थी, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जो जीरो टॉलरेंस को नीति मान करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक एक्शन लेने का काम उन्होंने किया है, सबके मन में है कि ये सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम करेगी, डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए थे उनको भी आगे ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी, यही सभी के मन में भाव है। और किसी रेखे सवाल में कर लूं कुछ कुछ सहकारिता के आप मंत्री बने हैं, सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस हमेशा सहकारिता के बल पर ही आगे बढ़ती आई है, पहली बार भाजपा आपने आपके ऊपर दाव खेला है सहकारी मंत्री का था आपके ऊपर, तो जिस तरह से सहकारिता के जो डिपार्टमेंट है इसकी जो स्थिति है वो लगातार नीचे गिरती जा रही है, पिछली सरकार ने भी जिस तरह से वादे किए कुछ पूरे हुए नहीं, 3 लाख रुपए तक का किसान को लोन देना था वो अभी भी 1.5 लाख पे अटका हुआ है, किसान अभी भी बुरी स्थिति में, तो इसको लेकर कोई आपके पास रणनीति है क्या, चूंकि आप खुद भी किसानों के एरिया से आते हो इसलिए। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, सरकार जो है वो निश्चित रूप से किसानों के साथ, आज हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सुध लेते हुए, आपने देखा होगा बिना घोषणा किए किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हैं और 6,000 रुपए साल के उनके 2,000 की 3 किस्तों के रूप में उनको देने का काम हमारी सरकार मोदी जी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से यहाँ पे भी जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो आपको ध्यान में होगा 50,000 रुपए के कृषक लोन जो थे वो हमने बिना घोषणा के माफ किए थे, और इस बार भी मुआवजा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया था, इस बार भी सरकार के मन में है कि हम किसानों को अधिक से अधिक हम राहत दे सके। नहीं नहीं, अधिक से अधिक राहत तो वाली बात तो हो गई, 5 साल पहले भी कहा गया था 1.5 लाख से 3 लाख किया जाएगा इस जो जिसको वो पिछली सरकार का लोन वाली बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास में सरकारी तो विभाग है। नहीं, हमारी सरकार ने वसुंधरा जी की सरकार जब थी 13 से 18 की, उस समय बिना घोषणा के 50,000 की ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, इस सरकार ने जो 18 से 23 की सरकार जी कांग्रेस की सरकार थी उसने कमिटमेंट किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, वो उसमें फेल रहे हैं। तो आप पूरा करोगे इसको, उनको निश्चित रूप से हम कितना किसानों के पक्ष में काम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे, हम कितना उनको रिव्यू करके कितना हम कर सकते हैं उनको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। एक चीज और है, जिस तरह से सहकारिता के जो पहले RDHS में था तो वो सहकारी डिपार्टमेंट के कंधे पे था, मगर अब जिस तरह से सरकार ने इसका निजीकरण कर दिया और मेडिकल पे दवाइयां मिल रही है, तो इस तरह से तो सहकारिता डिपार्टमेंट ही एक दिन धराशायी हो जाएगा, ताज के पत्तों की तरह ढह जाएगा महल। निश्चित रूप से पिछली 5 साल की सरकार में ये कॉपरेटिव सेक्टर जो है थोड़ा कमजोर हुआ था, हम वापस इसको रिव्यू करके कैसे हम इसको, चूंकि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने अपना स्वयं के पास ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रख रखा है, तो वो इस कोऑपरेटिव के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, और हम भी अपने राजस्थान में इस कोऑपरेटिव के सेक्टर में पैसे कोऑपरेटिव क्षेत्र जो है वो और मजबूत हो सके वो उसके लिए प्रयास करें। आप भाजपा से आते हो, कांग्रेस कोऑपरेटिव के सेक्टर में सब जगह मजबूत है, कभी भी चुनाव होते हैं कांग्रेस हमेशा जीतती आती है, भाजपा कैसे इस चुनावी वेतरणी को सहकारिता के जब भी चुनाव हो जीते, इसके लिए कोई रणनीति है आपके पास में? कांग्रेस जो जीतती है वो सब तरीके हथकंडे आप जानते हैं, इस बार जो चुनाव होंगे हम पारदर्शी तरीके से करा करके निश्चित रूप से एक अच्छा और मैंडेट लेकर के सही लोग आगे आए इसका प्रयास करें।